हम रात के समय आकाश में लाखों चमकते तारों के बीच में इधर उधर गिरते चमकीले ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, जिन्हें अक्सर हम टूटते हुए तारे कहते हैं। विज्ञान की भाषा में इन्हें मीटियोर कहा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर इनमें से कोई बड़े आकार का मीटियोर प्रकाश की गति से हमारी पृथ्वी से टकरा जाए? क्या हमारी पृथ्वी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, या फिर हमारी पृथ्वी पर से जीवन का नामो निशान ही मिट जाएगा, जैसा कि आज से लगभग 6.6 करोड़ सालों पहले हुआ था। खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार आज से लगभग 6.6 करोड़ सालों पहले चिकक्सुलूब नाम के एक एस्ट्रॉयड ने पृथ्वी से टकराकर विनाश मचा दिया था। इसका व्यास 11 किलोमीटर तक का था और यह डायनासोर और अन्य जीवित प्रजातियों के विलुप्त होने का कारण बना था। माना जाता है कि इसकी एक टक्कर से पूरी पृथ्वी थर्रा गई थी और एक ही झटके में ही डायनासोर समेत पृथ्वी पर मौजूद ज्यादातर पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का अस्तित्व समाप्त हो गया था। हमारे सौरमंडल में उपस्थित 4 अरब से अधिक स्पेस बॉडीज यानी मीटियोर्स हर दिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आते हैं, लेकिन ये अक्सर छोटे पत्थर होते हैं जो कि पृथ्वी के स्थलीय वातावरण में पहुंचते ही जल जाते हैं, जो कि पृथ्वी के लिए विशेष खतरा पैदा नहीं करते हैं। दरअसल मीटियोर्स हमारी पृथ्वी के आउटर स्पेस में घूमने वाले एस्ट्रॉयड्स या कॉमेट्स होते हैं, जो कि बड़े छोटे स्पेस रॉक्स और मेटालिक टुकड़ों से बने होते हैं। हमारे सौरमंडल में बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में स्थित एस्ट्रॉयड बेल्ट में वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 6 लाख की संख्या में ज्ञात एस्ट्रॉयड्स या कॉमेट्स हैं, जिनमें से करीब 20,000 एस्ट्रॉयड्स नियोज यानी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स हैं। दरअसल नियो वह एस्ट्रॉयड्स या कॉमेट्स होते हैं जो कि सूर्य का चक्कर लगाते समय हमारी पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरते हैं और जो कि संभावित रूप से हमारी पृथ्वी से टकरा सकते हैं। दरअसल ये स्पेस रॉक्स बॉडीज हमारी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की चपेट में आने की वजह से पृथ्वी की तरफ खींचे चले आ जाते हैं, और इनमें से जो मीटियोर पृथ्वी की सतह तक आ जाते हैं उन्हें मीटियोराइड कहा जाता है। ये मीटियोर्स हमारी पृथ्वी के वातावरण के एक्सोस्फेयर और थर्मोस्फेयर से तो आसानी से गुजर जाते हैं, लेकिन जब ये पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते हैं तो एटमोस्फेरिक एयर हीट और गैसेस की वजह से जब ये यहाँ तेज गति से गिरते हैं तो फ्रैक्शन उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इन मीटियोर्स का टेम्परेचर 1600 डिग्री से भी ज्यादा हो जाता है, और इतने ज्यादा तापमान के कारण ये जलने लगते हैं, और इन्हें ही हम टूटता हुआ तारा या शूटिंग स्टार्स कहते हैं। जिन मीटियोर्स का आकार 25 मीटर से कम का होता है वह पृथ्वी के वायुमंडल में हीट के प्रभाव से जल जाते हैं और पृथ्वी तक पहुंचने से पहले ही जलकर राख हो जाते हैं, और जो बाकी बचे पृथ्वी पर गिरते हैं तो वह मीटियोराइट्स कहलाते हैं, जिनमें बहुत सी जानकारियां होती हैं। वैज्ञानिक इनका अध्ययन करते हैं, जिसकी मदद से उन्हें हमारे सौरमंडल के जन्म से संबंधित काफी जानकारियां मिलती हैं कि मीटियोर्स आकार में रेत के दाने से लेकर बड़े बड़े आकार के होते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड सेरेस नाम का एक पिंड है। अब वापस चलते हैं अपने उसी सवाल पर कि क्या होगा अगर हमारी पृथ्वी से प्रकाश की गति से गिरता हुआ कोई एस्ट्रॉयड टकरा जाए। वैसे तो यह बिल्कुल ही नामुमकिन है, क्योंकि विज्ञान के नियमों के अनुसार कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो वह कभी भी प्रकाश की गति हासिल नहीं कर सकती। यही वजह है कि प्रकाश के कण फोटोन्स खुद ही मासलेस होते हैं, लेकिन फिर भी गति के प्रभाव का अंदाजा लगाने के लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। कल्पना कीजिए, एक 30 मीटर डायमीटर वाला एक मीटियोर है जो कि 3000 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से हमारी पृथ्वी की तरफ गिर रहा है, और जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो इसकी 3000 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति की वजह से वायुमंडल की हवा के कणों में तीव्र हलचल हो जाएगी, जिसके कारण उत्पन्न गर्मी और प्लाज्मा से न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और फिर इतनी तेज गति से पृथ्वी की सतह से टकराते ही आज के सबसे एडवांस्ड और आधुनिक परमाणु बम से भी 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली ऊर्जा पृथ्वी के वायुमंडल में उत्पन्न हो जाएगी और आसपास की जगह भयानक और पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। और इतनी भारी मात्रा की ऊर्जा की गति वाले एस्ट्रॉयड के पृथ्वी की सतह से टकराने से जो क्रेटर बनेगा वह इतना बड़ा और गहरा गड्ढा होगा कि उससे पृथ्वी के मेंटल का पिघला हुआ लावा आसानी से देखा जा सकेगा, और इसका प्रभाव चिकक्सुलूब एस्ट्रॉयड जिसने पृथ्वी से डायनासोर्स को खत्म किया था से 50% ज्यादा खतरनाक होगा। चिकक्सुलूब मात्र 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी की सतह से टकराया था, और उसके टकराने से लगभग 150 किलोमीटर व्यास और 20 किलोमीटर गहरा इंपैक्ट क्रेटर बन गया था। तो जरा सोचिए, अगर इसकी गति प्रकाश की गति के बराबर कर दी जाए तो क्या होगा।
यही एस्ट्रॉयड जब प्रकाश की गति यानी 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी की सतह पर गिरने के लिए बढ़ रहा होगा तो कोई भी एडवांस्ड और मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सुपर कंप्यूटर इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रकाश की गति को मेजर करने वाला माध्यम इस दुनिया में है ही नहीं। और जब टेक्नोलॉजीज इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगी तो हम इंसान भी इसे देख नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे देखने से पहले ही ये अपना काम कर चुका होगा। यह इतनी तेज रफ्तार से गिरेगा कि कोई कुछ समझ नहीं पाएगा कि आखिर क्या हो रहा है, और यह हमारी पृथ्वी की सतह को चीरता हुआ बिल्कुल अंदर घुस जाएगा, और फिर जितनी तेजी से जो तबाही होगी उसे देखने के लिए ये मानव सभ्यता ही नहीं बचेगी। क्योंकि 30 मीटर डायमीटर वाला ये मीटियोरॉयड प्रकाश की गति से गिरने पर पृथ्वी को उसके ऑर्बिट से बाहर धकेल देगा, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी को उसके ऑर्बिट में बनाए रखता है, पर इस मीटियोरॉयड का प्रभाव 10,000 गुना ज्यादा होगा, और यह पृथ्वी को चंद पलों में ही उसके ऑर्बिट से बाहर निकालकर टुकड़ों के ढेर में बदल देगा। फिर पृथ्वी के टुकड़े इस अंतरिक्ष की धूल बन जाएंगे, क्योंकि आइंस्टीन की समीकरण E=mc² के अनुसार मास और एनर्जी एक ही होते हैं। प्रकाश की गति ही उस 30 मीटर डायमीटर वाले मीटियोराइड की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाकर इतना ज्यादा खतरनाक बना देगी। ये तो सिर्फ एक कल्पना मात्र है, लेकिन 1908 में रशिया के साइबेरिया में एस्ट्रॉयड के गिरने की घटना हुई थी, जिसमें 100 मीटर आकार का एस्ट्रॉयड हमारी पृथ्वी के एटमोस्फेयर में ही फट गया था। इसे तुंगुस्का इवेंट भी कहते हैं। यह धमाका इतना तेज था कि इससे निकलने वाली एनर्जी और शॉक वेव्स ने साइबेरिया के 2000 किलोमीटर के जंगलों में करीब 8 करोड़ पेड़ जलाकर राख कर दिए थे। लेकिन अगर दुर्भाग्य से यह एस्ट्रॉयड किसी शहर में गिरा होता तो यह 96,00,000 लोगों की आबादी को तुरंत ही खत्म कर देता।